हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम कारना जी की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस भी मैंने फ्लावर शेप में बनाई है। सारी ड्रेस में ये देखिए, ये फ्लावर्स बनाए हैं और उसके ऊपर मैंने मोती लगाए हैं। दो नंबर कारना जी की ये ड्रेस बनाई है मैंने, और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है, 3 mm, और जो इसके ऊपर मोती लगाए हैं ये 8 नंबर मोती है। और इस ड्रेस को भी आप बाकी ड्रेसेस की तरह किसी भी साइज किसी भी नंबर में बना सकते हैं। सभी साइजेस की चोली मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, वहां से देखकर आप चोली बना लें। डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी का लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में से देख के आप चोली बना लें ये वाली। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीज किया है, सभी नंबर में इसी तरह से हमने इंक्रीज करना है, तो उसके आगे घेरा इसी तरह से बना लें। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, फेसबुक पर मैंने मैजिकल थ्रेड्स नाम से पेज बनाया है, और जो न्यू ईयर स्पेशल मैंने फ्रिल ड्रेस बनाई थी उसकी वहां पर डीपी लगी है। तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, वहां पर भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। ये अभी मैं आप सबको बता रही हूँ, आगे से कोई ड्रेस मेरी फेसबुक पर पहले आ जाएगी, कोई मेरे यूट्यूब पर पहले आएगी, तो आप मेरे पेज को वहां पर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको वहां पर भी नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ ही जो आप ड्रेसेस बनाते हैं, प्लीज आप मुझे वो मेरे फेसबुक पेज पर मेरे साथ शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर जो आप ड्रेसेस बनाते हैं उसकी आप जो मुझे पिक भेजते हैं, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, इंस्पायर होती हूँ, तो और ड्रेसेस बनाने का भी मेरा मन होता है सुंदर सुंदर। तो आप अपनी जो पिक्स होती हैं वो प्लीज मेरे साथ फेसबुक पेज पर शेयर करें। बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ पिक्स शेयर की हैं, वहां मुझे देखकर सेम जैसे मैंने ड्रेस बनाई है सेम वहां पर बनी देखकर जो मुझे खुशी होती है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अपने फेसबुक पेज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बार और कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, वहां से देखकर आप मुझे फॉलो कर लें। और ये तो हो गई 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस, लेकिन इसके साथ ही मुझे कई कमेंट आते हैं। जैसे कोई मैंने ड्रेस 4 और 5 नंबर में बनाई है, जैसे ये है, जैसे ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, तो बहुत से कमेंट मुझे ऐसे मिलते हैं कि यही सेम आप पैटर्न में 1 और 2 नंबर में अपलोड कीजिए, तो सेम ड्रेस अपलोड नहीं होती। तो इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चोली के लिंक देती हूँ, वहां से देखकर आप 2 और 1 की चोली बना ले। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीज किया है, ऐसे ही आप 1 की और 2 की भी सेम बना सकते हैं, इसी तरह से इंक्रीज करके। आप इस वीडियो को सुने तो उस हिसाब से सेम आपने 2 की और 1 की 0 की कोई भी बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे ये ड्रेस है, ये देखिए, ये फ्लावर शेप में है, पूरी पेटल्स हैं इसमें, पत्तियां बनी हुई है। आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको इस तरह के और भी सुंदर सुंदर डिजाइन मिलेंगे। ये सभी ड्रेसेस मैंने चैनल पर अपलोड की हुई हैं पहले से, तो इन सभी ड्रेसेस को आप 0, 1 या 2 नंबर किसी में भी बना सकते हैं, ये जो अभी मैंने अपलोड की है। ये देखिए, ये मैंने होली स्पेशल ड्रेस बनाई थी मल्टी कलर में। ये सभी ड्रेसेस को आप छोटी ड्रेस में भी बना सकते हैं, तो प्लीज आप ये सारी ड्रेसेस जो है उनकी जो ड्रेस बनाते हैं मेरे साथ फेसबुक पर पिक जरूर शेयर करें। ये देखिए, ये लोहड़ी स्पेशल मैंने ड्रेस बनाई थी, और ये रिसेंटली जो अभी बनाई है मैंने, और ये हमारी आज की ड्रेस। तो चलिए हम ये 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं। 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली मैंने बना ली है, इसकी वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देखकर आप बना लें। और इसके बाद अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे, और घेरा हम यहाँ आर्म होल से बनाना स्टार्ट करेंगे। और चोली के लास्ट में मेरे पास ये देखिए 5 फ्रंट में है, 5 इस तरफ हैं, तो ये 10 हो गए, 10 पीछे हैं, तो 20 डबल क्रोशिया हैं चोली के लास्ट में मेरे पास। यहाँ से हम घेरा बनाना शुरू करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने ये स्टार्ट कर लिया धागा, अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो 2 चेन लेनी है, ये 1 चेन होगी, ये 2, 2 चेन लेकर हम इसी जगह सेम प्लेस पर एक बार और बनाएंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया, धागा लिया हमने, नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे, तो ये फ्रंट में 2 बार हो गया। पहले हमने 2 की चेन ली, फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 2 स्टिच हो गए। अब नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे,
ये तीन हो गए, तीनों को इकट्ठा निकाल देंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। नेक्स्ट में दो बार बनाएंगे, ये देखिए धागा लिया, ये तीन हो गए, तीनों को इकट्ठा निकाल देंगे, फिर इसी जगह सेम प्लेस पर फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, तो हर दूसरी चेन में हम दो बार बनाएंगे। ये देखिए यहाँ एक बार बनाया है, अब हम दो बार बनाएंगे, फिर हम एक बार बनाएंगे नेक्स्ट में, तो रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने स्टार्ट में दो चेन लिए थे, एक और दो, सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो ये राउंड ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद येलो कलर लगाएंगे, येलो कलर शुरू करने से पहले मैंने इसमें मोती पिरो लिए हैं, 8 नंबर मोती है ये, 4, 8, 12, 16, 20 और 22, जितने हमें चाहिए होंगे उतने रखेंगे, बाकी बाद में हम निकाल देंगे। जहां पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है ब्लू कलर से, वहीं पर सेम प्लेस पर हम बनाएंगे येलो से। फिर नेक्स्ट चेन में हम एक बार और स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो अब ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब यहां पर हम 5 चेन लेंगे स्टार्ट में, 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू में हमने 5 चेन लिए, 3 लिए हमने डबल क्रोशिया की हाइट के लिए, और 2 जो लिए हैं ये जो सेंटर में, हम 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में 2 लेते हैं, तो 2 इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए हैं शुरू में। एक और 2 चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे, 1 और 2 चेन लेकर 1, 2, 3, थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 20 थे डबल क्रोशिए चोली के लास्ट में, तो उससे ये हमारे पास ब्लू जो स्टिच आए हैं हाफ डबल क्रोशिए के, ये 30 आए हैं, एक छोड़ के हमने बढ़ाया है, और 30 आए हैं, 30 का हाफ 15, तो 15 मेरे पास ये होल आए हैं, 15 होल हैं ये। इसके बाद हमने अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, उसके लिए हम 1, 2, 2 बार हमने चेन ली, और नेक्स्ट यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन लेंगे, ब्लू कलर का धागा हम यहाँ पर काट देंगे, 3 चेन लिए मैंने यहाँ पर, इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे, और ये जो हमने स्लिप स्टिच बनाया है यहाँ पर, ये होल बन गया है, यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक हमने ये 3 की चेन ली, एक हम इसको डबल क्रोशिया मान लेंगे, और एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, तो ये टोटल 2 हो गए। 2 के बाद हम मोती पिरोएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं ये साइड वाली चेन को मिलाकर, तो 2 हमारे ये बन गए। इसके बाद हम इस तरह से, ये 3 हो गए, मोती को यहाँ पर ले आएंगे, तो अब ये 1, 2, 3 हो गए, ये 4 और ये 5, तो टोटल हमने ये 5 बना लिए। वर्क को टर्न करेंगे। अब इसके नीचे ये जो डबल स्टार्ट में हमने 3 की चेन ली हुई है, इसी को हम उठा लेंगे, और यहाँ पर हम 5 बार और बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमने यहाँ पर बनाए। वर्क को टर्न करेंगे, स्टार्ट में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन किया था, वहीं पर हम फिर से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे,
इस तरह से ये बन गया। फिर से देखिए, एक दो चेन लेंगे, नेक्स्ट में हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, और जब हमने फिर बनाकर आना है फिर हमने यहीं पर ज्वाइन करना है दोबारा स्लिप स्टिच। तो एक दो तीन चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये टोटल दो हो गए हमारे पास। मोती लगाएंगे, इतना हमने बना लिया, तीन हो गए। अब हमने ये मोती को ऐसे पास कर लेना है, ये दो और ये एक, तो टोटल ये तीन हो गए डबल क्रोशिए, ये चार और ये पांच, पांच हो गए। वर्क को टर्न करेंगे, अब इसके नीचे ये देखिए, इसके बराबर ये वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर अब हम बनाएंगे पांच बार, इसे उठा लेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच डबल क्रोशिया बनाए हमने। अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, जहां पर हमने पहले स्लिप स्टिच बनाया था सेम प्लेस पर हम इसे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से ही। तो इस तरह से ये दो हमारे पास पेटल्स आ गई, दो पत्तियां बन गई। इसी तरह से ये सारा राउंड कंप्लीट करेंगे, एक बार और देख ले, एक और दो चेन लिए, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया, एक दो तीन लिए चेन, वर्क को टर्न किया, एक हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद हमने मोती लगाना है, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद मोती को यहाँ पर ये देखिए इतना बनाया, मोती को पास कर लिया हमने, तीन हो गए टोटल, ये चार और ये पांच, पांच हम वर्क टर्न करके बनाएंगे यहाँ पर, ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। मोती आप साथ साथ भी लगा सकते हैं जैसे मैंने अभी लगाए हैं, अगर आप इस तरह से नहीं लगाने चाहते तो मोती आप बाद में सुई से भी लगा सकते हैं, तो फिर आप पांच डबल क्रोशिया वैसे बना ले। इस तरह से यहाँ पर मोती साथ साथ लगते जाएंगे, चाहे आप बाद में लगा लें, तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये लास्ट रह गया, यहाँ पर भी हम बना लेंगे इसी तरह से, दो चेन लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो लास्ट भी मैंने इसी तरह से पत्ती बना ली। यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, एक बार धागा लेकर एक बार चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे, तो ये मेरे पास है, ये देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 15 हमारी ये पत्तियाँ आई इस तरह की। अब हम नेक्स्ट दूसरा कलर लगाएंगे, एक्स्ट्रा मोती आप बाद में निकाल। तो यहाँ पर मैंने मजेंटा कलर के धागे में, ये मजेंटा कलर का धागा है, इसमें मैंने मोती पिरो लिए हैं, तो पाँच ये 10 15 20 25 30 30 मोती हैं, जो चार पांच मैंने एक्स्ट्रा पिरोए हैं, जितने लगेंगे बाकी के बाद में निकाल देंगे। धागा स्टार्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आकर हमारा ये फिनिश हुआ है धागा। तो ये वाली जो हमारी पत्ती है, पहली पत्ती है जो हमारी, उसके नीचे हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया है। देखिए ये सारे स्लिप स्टिच दो दो जो हमने बनाए हैं, जिसमें हमने पांच पांच डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो इसी स्लिप स्टिच को हम उठाएंगे, पत्ती को इस तरह से मोड़कर यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे। धागा शुरू हो गया, चार चार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो स्टार्ट में हम चार के लिए तीन चेन लेंगे और तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये चार हो जाएगा टोटल। एक हमारी चेन, तो इसको एक डबल क्रोशिया मानेंगे, ये दो
तीन। तीन चेन लिए, ये एक डबल क्रोशिया, ये दो और ये तीन। तीन डबल क्रोशिया बनाए हमने, एक हमारी साइड वाली चेन, तो ये चार हो गए। अब हम नेक्स्ट में इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये जो दो का हमने स्लिप स्टिच बनाया है, ये देखिए यहाँ पर होल है, इसे उठाकर चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। तो फोर फोर टाइम्स मैंने डबल क्रोशिया बनाया, हर जो पीछे स्लिप स्टिच बनाया है हर स्लिप स्टिच को उठाकर। तो इसके नीचे ये इस तरह से आ जाएगा। राउंड को ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से थर्ड चेन में। तो इस तरह से हमारी रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए नीचे से ये इस तरह से आया है। तो 15 हमारे पास ये येलो कलर की पत्तियां थी। हर एक पत्ती के नीचे हमने चार बार बनाया है। 15 को चार पे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को चार पे, फोर पे, तो ये 60 आएगा, 60। तो 60 हमारे पास ये डबल क्रोशिया हो गए। तो 60 का हाफ 30, तो 30 हमारे पास ये ऐसे पैटर्न आएंगे। शुरू में जैसे हमने ये अब येलो बनाया है, सेम उसी तरह से बनाना है राउंड। शुरू में हमने पांच चेन लेनी है, एक स्किप करेंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, दो चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, दो चेन लेंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे, दो चेन लिए मैंने, एक, दो, तीन। थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच बनाया। इस तरह से ये है। अब इसके बाद फिर से हमने यही रो स्टार्ट करनी है जो पेटल वाली है, पत्तियों वाली। दो बार हमने स्लिप स्टिच लिया, दो बार हमने चेन लिए, और यहाँ पर नेक्स्ट में हमने स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन किया। फिर हम तीन चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, सेम उसी तरह से हमने बनाना है। एक ये जो होल बन गया यहाँ पर, ये देखिए स्लिप स्टिच बनाने से यहाँ पर होल बन जाता है। तो इस होल में हमने एक बार बनाया डबल क्रोशिया, मोती को आगे करेंगे। तो ये टोटल दो बार हो गया, ये तीन की चेन और एक डबल क्रोशिया। दो के बाद हमने ऐसे, ये देखिए, फिर हम मोती को पास कर लेंगे, स्टिच को कंप्लीट करेंगे। टोटल ये तीन हो गए। अब ये चार और ये पांच, वर्क को टर्न करेंगे। इसी के नीचे जो ये है हमारा डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने, यहाँ पर ये पहले तीन की चेन है स्टार्ट में, तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर पांच बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। तीन, सेम जैसे हमने येलो राउंड बनाया है उसी तरह से बनाना है। पांच डबल क्रोशिया बनाए हमने। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, दो स्लिप स्टिच, दो चेन लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था। तो यहीं पर सेम प्लेस पर फिर से हमें, हमने इसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो ये हमारी पत्ती बन गई। फिर से हम दो चेन लेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, एक, दो, तीन चेन लेंगे। तो बाकी का राउंड हमने उसी तरह से बनाना है जैसे येलो बनाया है। यहाँ पर 15 हमारे पास पत्तियां आएंगी, इस तरह की यहाँ पर 30 आ जाएंगी। ये हमारे पास जो होल आए हैं ये 30 हैं, 30। तो मजेंटा कलर का राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक ब्लू राउंड बनाना है, तो ब्लू भी मैंने एक उसका आगे राउंड बना लिया है। ये राउंड मैंने कैसे बनाया है, जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे, ये देखिए यहाँ पर हमने बैक से उठाकर जो हमने स्लिप स्टिच बनाया हुआ था उसको उठाकर हमने ये चार चार बनाए हैं। देखिए, एक, दो, तीन, चार। इसी तरह से मैंने ये ब्लू राउंड बनाया है, चार चार मैंने फिर से बनाए हैं। ये देखिए,
स्लिप स्टिच को उठाकर 1 2 3 4 चार चार डबल क्रोशिए मैंने सब में बना लिए हैं। अब इसके बाद हम होल वाला राउंड बनाएंगे। होल वाला राउंड बनाने के लिए स्टार्ट में हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 3 चेन ली हमने डबल क्रोशिए की हाइट की और 3 चेन ली है जो हमने सेंटर में 2 डबल क्रोशिए के सेंटर में लेनी है। तो यहाँ पर हम ये 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहां पर मैंने सेंटर में 3 चेन ली है, इसीलिए हमने स्टार्ट में 6 चेन ली है, 3 ये वाली चेन होगी यहां पर और 3 होगी डबल क्रोशे की हाइट की। राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 फोर्थ में। थर्ड चेन में राउंड को ज्वाइन करेंगे, देखिए अब जैसे हमने ये फ्लावर वाले वाला राउंड बनाया है उसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और यहां पर डबल क्रोशिए के ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो यहां पर ये होल बन गया, 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और ये जो लूप है यहां पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, मोती को आगे करेंगे। इतना हमने बना लिया, मोती को पास कर लेंगे, थर्ड हो गया ये डबल क्रोशिया, ये फोर्थ हो गया, ये साइड वाली चेन को भी हम 1 मानेंगे। वर्क को टर्न करेंगे और ये जो हमने बनाया है डबल क्रोशिया, इसके नीचे वाले यहाँ चेन में हम 5 बार फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। जहां पर हमने पहले स्लिप स्टिच बनाया है वहीं पर हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये इस तरह से फ्लावर बन गया, फिर से देख ले एक बार, 1 2 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क टर्न करेंगे, ये एक इसको चेन को हम 1 डबल क्रोशिया मान लेंगे, लूप में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 बार हो गया, 1 बार हमने चेन बनाई, 1 बार ये डबल क्रोशिया, तो ये 2 बार हो गया। पर्ल को आगे करेंगे, तीन हो गए, 2 और बनाएंगे, 4 5 वर्क टर्न करेंगे, इसके नीचे वाले डबल क्रोशिए में यहां पर 5 बार बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। ये जो हमने यहां पर स्लिप स्टिच बनाया है यहां पर हम फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से हम 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट में इसे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। तो ये 2 आ गए हमारे पास फ्लावर, इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो पूरा राउंड मैंने बना लिया, लास्ट में आ गई हूं मैं, यहां पर हमने 3 चेन लिए और ये जो हमने पहला फ्लावर बनाया है यहां पर आकर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, 3 चेन बनाकर फिर से हम फ्लावर बनाएंगे।
पांच मैंने डबल क्रोशिया बना लिए, यहीं पर फिर से ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। एक चेन लेकर यहाँ पर हम धागा काट देंगे। तो ये देखिए राउंड इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। और चोली की किनारी भी मैंने बना दी है। चोली की किनारी मैंने जो मैंने चोली की वीडियो अपलोड की हुई है उसके ऊपर मैंने बना के बताई है। तो सभी साइज़ की चोली का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें और इसके आगे आप ड्रेस इसी तरह से बना लें। ये देखिए बहुत ही सुंदर बनी है ये ड्रेस। देखिए बैक साइड से यहाँ पर हमने चार डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद फ्लावर वाली रो, फिर चार चार डबल क्रोशिया बनाए, फिर हमारी फ्लावर वाली रो आई। तो अगर आपको कान्हा जी की ये ड्रेस पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।